channel. Thank you. Congratulations. Like, trailer is amazing. It is going super duper hit. आप से जानना चाहेंगे personally किस तरीके से response आ रहा है fans का? यार बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा है बिकॉज मैंने पहले एक्चुअली सोचा नहीं था कि यू नो ट्रेलर ऐसे ग्रैंड बन जाएगा, शो इतना ग्रैंड बन जाएगा. बिकॉज आप जब शूट करते हो, जब ये होता है ना, तब आपको समझ में नहीं आती आधी चीज़ें, यू नो. बट व्हेन आई सॉ इट, आई पर्सनली लिटरली लव्ड इट. एंड मुझे लगा फिर उसके बाद यू नो ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएंगी या नहीं. देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर, एंड ट्रस्ट मी, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड में मेरे बहुत फ्रेंड्स, फैमिलीज रहती है, उनके फ्रेंड्स रहते हैं. दे स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, एंड मुझे पूछ रहे थे कि यार मैं ऐसे ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स में नहीं है, तो सॉरी, एम आई सपोज टू से ब्रांड्स, आई मीन इट्स ओके. सो तो यार, तो हम लोग देखे कैसे? तो फिर मैंने उनको बताया कि Z5 पे आप लोग अब्रॉड में देख सकते हो, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. लाइक वैसा कुछ शो उन्होंने पहले नहीं देखा है इंडियन प्लेटफॉर्म में, इंडियन वेब सीरीज में. सो या आई मीन it's I hope you really like the entire show as much you like the trailer. Definitely when you got the offer, was your sudden decision, or you took time little and thought about it and then took the decision? So when they actually called me in January, that time I was doing a different show so obviously I had no dates, but then lockdown happened, and you know my show went off air because of the lockdown. And after it went on lockdown, it went off. Within 2 or 3 days, I got a call for this, and I said yes within a second, because the first time when I got a call for this show, I really actually regretted, because you know I had no dates, and the way Bhavna ji did the briefing, Bhavna ji's creative, the way she did the entire you know briefing and character sketch and everything, I really wanted to do it. So maybe, you know, somewhere, somehow, it just worked out, and I had to say yes. I had no options. Okay, thoda aapke kirdaar ke baare mein jaanna chahenge. Kya kirdaar aapke baare mein? Because trailer mein to pura aap hi chhai hui hai. नहीं नहीं, ट्रेलर में सब दिख रहे हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट आवर ट्रेलर इज, ऐसे नहीं है कि हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि सेकेंडरी है. अगर ये कैरेक्टर नहीं रहता तो ये ट्विस्ट नहीं होता, अगर ये ट्विस्ट नहीं होता तो ये शो आगे नहीं बढ़ता. तो एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी 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 प्रोमिनेंट, देर इज़ नो सेकेंडरी कैरेक्टर इन एंटायर पौरुषपुर. सो आई मीन मुझे बड़ा मज़ा आया यार जब मैंने देखा. तो इवन द डांस दैट यू सॉ इन द ट्रेलर, इट टुक मी लिटरली 18 hours टू फिनिश द शूट. सो सुबह से लेके नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सुबह तक हम लोग डांस ही कर रहे थे. तो आई मीन रिलेटेड किरदार के बारे में, वेल आई एम प्लेइंग कला. कला बेसिकली पौरुषपुर की दासी है, पर दास होने के बावजूद भी शी फॉल इन लव विद द प्रिंस, जो युवराज है. आदित्य लाल इज प्लेइंग युवराज रणवीर, और ये बात मीरावती को पता चल जाती है. और उसके बाद कैसे वो महारानी बन जाती है कला, कैसे उसके महारानी बनने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, फिर कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, फिर कैसे शी एक्चुअली स्टूड फॉर हर सेल्फ इन दैट सेंचुरी वेयर वेमेन हैड लॉट ऑफ बाउंड्रीज. सो दैट्स हाउ द स्टोरी, इट इज़ अ वुमेन ओरिएंटेड शो, बट कैसे कला अपने आप को ओवरकम करती है, कैसे वो चीज़ों को वो हैंडल करती है, टूट जाती है कि संभल जाती है, ये सारी चीज़ों को लेके बेसिकली ये शो बना है. ओके, अनु सर के साथ भी आपका सीन, हाँ जी, के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई वाज वेरी नर्वस इन द बिगिनिंग व्हेन पहली बार हम लोग ऑफिस में मिले थे नरेशन के टाइम पे. जैसे जिस लिहाज से वो बात करते हैं ना, उनकी हिंदी में जो पकड़ है ना, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. लाइक देखो, मैं तो बंगाली हूँ, वैसे मेरी हिंदी दूसरी सटकी हुई है, बट नो ऑफेंस, बट जैसे वो बात कर रहे थे ना, मैं लिटरली खो गई थी उनकी बातों में. जैसे वो पोइट्री करते हैं, जैसे वो यू नो कहानी सुनाते हैं, आई वॉज स्केयर्ड व्हेन एंड फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट सीन है अनुजी के साथ. तो सोचिए, एक तो पहला दिन, पहली सीन, और वो भी ऊपर से अनुजी के साथ, तो मैं बहुत नर्वस थी. तो बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ही इज such a senior actor, yet he's so down to earth. He really made me feel like, you know, I'm also something. And कोई भी चीज़ मैं उनको पूछ सकती हूँ, मुझे बहुत ही wise advice मिलता था उनसे. तो it was a great experience to work with such a great actor and senior actor.
I have learned a lot, and you know, to be very honest, Experian does talk. I mean, it does. He is outstanding. Even Milind sir's role is very strong. Milind sir is just hurt. You know, I think all we, you, all of us, we have crush on Milind sir, right? Tell me one girl who does not like Milind Suman. One girl. No idea. I think there is none. He is so hot. एंड हमारे सेट पे ऐसे होता था कि हम सारी लड़कियां ना से वेट करते थे किस दिन मिलिंद सर का शूट होने वाला है, कब होगा. हम लिटरली वेट करते हैं. जिस दिन एक डांस है ना मिलिंद सर का जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, उस दिन मेरा शूट नहीं था. मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने कब से बोल के रखा था प्लीज़ उस दिन मेरा शूट रखो, रखा ही नहीं. मैं स्पेशली उस दिन सेट पे ऐसे ही मंडराते हुए आ गई. मुझे हाय गाइस, आई वाज गेटिंग सम बोर्ड द होटल, तो मैं आगे सबसे मिलने, बट आई एम टेलिंग यू, मैं बस वहाँ पे आई थी मिलन सर को देखने के लिए. ही सो अटली हॉट एंड येट आपको मिलन सर के साथ एवी सेल्फी नहीं मिल सकता है. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट. यू हैव टू डू, इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू डू 10 पुशअप्स, इफ यू आर अ बॉय यू हैव टू डू 20 पुशअप्स. मैं पांच करने के बाद ही बोला मैं को नहीं चाहिए सेल्फी, मैं नहीं कर पाऊंगी. तो आई डू नॉट हैव एनी सेल्फी विद हिम. आई थिंक मुझे चुपके से लेना पड़ेगा. नो दैट इज ट्रू, सीरियसली यू हैव टू डू पुशअप्स बिफोर यू टेक एनी सेल्फी. या यू हैव टू ट्राई हार्डर टू टेक अ मेरे नाजुक बाजुए कुछ नहीं कर सकती. पांच के बाद मेरा हो जाता है, फिर मेरा नहीं हो पाता है. नो, वो तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था इट्स सो सच अ बिग बजट वेब सीरीज. जब मैं सेट पे गई तब मुझे समझ में आया. मुझे सच में समझ में नहीं आया था. एक तो आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन जोन, तो I was zoned out. So मुझे और कार्तिक पूर्णिमा के बाद मेरे को सोचने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि दो तीन दिन बाद ही आई गॉट अ कॉल फॉर दिस. सो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि मैं क्या काम करूँगी इसके बाद, मैं कौन सा ये करूँगी, कौन सा किस तरीके के रोल के लिए आई शुड वेट और आई शुड लुक फॉर. ऐसा मुझे सोचने का मौका नहीं मिला. बट अब मुझे पता भी नहीं था इतना बड़ा शो है. वो तो मुझे सेट में जाने के बाद, सब कुछ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद मुझे पता चला. एंड नाउ तो आई थिंक इट इज़ इवन, जब मैंने जो सोचा था उससे भी और भी बड़ी शो है ये. सो या व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अबाउट योर रोल? बिंग कला फॉर मी इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज शी इज़, आई हैव नेवर डन सच कैरेक्टर एवर इन माई लाइफ, येट शी इज़ सो वल्नरेबल, येट शी इज़ सो पैशनेट. Again, she is a very, she is not a woman who easily toot jati hai. So for me, and again, she is from those centuries jo jahan pe aurton ki baat karne ke jo tarike hote hain, chalne ke jo tarike hote hain, rehen sehen, wo sab different hai aaj ke zamane se. So being kala was the most difficult thing for me. But obviously, touch with my creative, my directors were very cooperative. उन्होंने मेरे साथ workshops किए, हमने एक के बाद एक screen plays पढ़े, उसके साथ हमने practice किए. So then, then I became Kala. It was not a cakewalk. Okay, आपके intimidating scenes भी हैं. हाँ. Was it challenging? Was it uncomfortable for you? No, not uncomfortable at all, because they make sure that we are comfortable when we are shooting any intimate scenes. Nobody is around us, only the DOP and the director. There should be 5 to 7 women on the set so that they can, they can make you comfortable. So they took care of everything. So obviously uncomfortable nahi thi. My mom was very excited about it. I don't know why. She was very excited about it. I think she was way more excited than what I was. So, but yeah, it's a good experience. Yeah, it's a good experience. You trust me. How you kiss a guy when nobody is looking at you, and when you kiss a guy when a camera looking at you, and other 10-15 people are also looking at you. It's a different feeling. It is a different feeling. Sorry, you can't feel anything. थैंक यू. डेढ़ घंटे लगते थे मुझे तैयार होने के लिए. मैंने प्रोडक्शन को अच्छे से बता दिया था कि अगर आपके 6 बजे भी शूट होगा तो प्लीज़ मुझे 1.5 घंटे पहले बुला लेना, क्योंकि मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा. एंड हैट्स ऑफ टू द मेकअप आर्टिस्ट, आई मीन द वे दे यूज टू डू इट, एंड लुक एट द कास्ट, लाइक सो मेनी पीपल आर देयर, बट एवरीबडी यूज टू बी रेडी ऑन टाइम.
So hats off to the makeup artist. I was and really looking at you in a royal attire. मुझे बड़ा मजा आता था यार. मैं तो ऐसी ना ऐसी जब मुझे कोई नहीं देखा था ना मैं ऐसे ट्रोल करती थी ऐसे ऐसे करती थी. फिर अगर कोई देखता तो मैं चुपचाप बैठ जाती थी. बट इट फील्स सो ग्रेट ना कि यार मुझे पता है मैं रियल लाइफ में प्रिंसेस तो हूँ नहीं. आई मीन आई एम गेटिंग पेड टू लिव समवन एल्सेस लाइफ. व्हाट इज बेटर देन दैट. I really enjoyed it and all those lambe baal, urte hue baal, ghagra and you know, I really liked it. Okay, even Parashpur is compared with Game of Thrones. Listen, Game of Thrones is for 5% of Indians. Like एक हमारा अगर Indian जितने भी ये है ना audience है ना अगर उसको हम बांट देते तो 5% जो लोग बचते हैं उनके लिए Game of Thrones है. पर 95% जो बचे हैं उनके लिए तो कोई show है नहीं तो वो क्या देखे. तो उनके लिए हम पॉलिशपुर लेके आए हैं एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ द 5% दे कैन दे विल ऑल्सो एन्जॉय दिस शो बिकॉज सी आई हैव वी हैव मेड लॉट ऑफ फॉरेन शोज वर्ल्ड वाइडली फेमस बट दिस इज इट्स टाइम फॉर इंडिया सो वी मेक श्योर दैट वी मेड दिस वन फेमस. पॉलिशपुर में वुमेन कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से दिखाया. क्या हुआ देखो एक लड़की कुछ भी कर सकती है. मतलब इतिहास गवाह है यार. महाभारत देख लो रामायण देख लो युद्ध लड़की की वजह से हुआ था. तो एक लड़की सब पे भारी. सो यस आई मीन अ वुमन कैन डू एनीथिंग. डू नॉट जस्ट स्टॉप हर. वुमेन आर द फ्यूचर यू नो. वुमेन आर द फ्यूचर. सो अगर वो घर संभाल सकती है तो एक कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएगी और एज वेल एज ए किंगडम भी संभाल पाएगी. तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल हैज टू बी चेंज्ड. लाइक अगर मतलब कोई माँ बाप अपनी बेटी को कहीं भेज रहे हैं शाम को तो उनको वो फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी यू नो सेफ घर वापस आएगी कि नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. आई रियली वांट कि ये सो ऑब्वियसली माँ बाप है उनकी जो फिक्र वो कभी जाएगी नहीं. पर एक होता है ना कि उनका वो डर कम हो जाए ना रहे. मैं तो चाहती हूँ ना रहे पर माँ बाप है तो वो हम चेंज कर नहीं सकते. बट यू नो I think there should be, but it is changing. It is changing a lot. Even the entertainment industry. Yes, yes, yes. I mean, you look at all the actresses, like from Deepika Padukone to Priyanka Chopra to Kareena Kapoor, Kangana Ranaut. She is the talk of the town. How can I forget about her? I mean, look at them. I mean, they're literally, you know, is the character of a film, of a 100 crores film. Yeah. It's a big thing. I mean, a lot of these actresses are like, I think they get paid way more than the guys. Yeah, exactly. So it is changing, sweetie. It is changing. And I'm really glad that I am from this era. Wow. Okay, lastly, what do you want to say to all the fans who's giving a lot of love to your character and always supported you? Like everybody says when they promote their show, do watch it. They always say that this is different. But I really wanted to tell all of you that you have seen the trailer. Now it is up to you. Do you want to watch it or not? Because I can make sure that if you don't watch it, you will miss it. Miss something really big. So you have to watch. And you know, it is really worth watching. It is really worth watching. Like I have done all the dubbings. But I still want to, after the dubbing, you know, एक बार कुछ shows होते हैं ना देखने के बाद आपको लगता है कि यार repeat में कौन देखेगा. But ये शायद आप repeat में भी देखेंगे. तो please do watch Parashpur on 29th of December only on All Balaji and Zee 5. Thank you so much. Thank you.